बीचों के साथ देखें, इसके सीड्स इसके साथ हैं और यहाँ हमें एक जो है वो फिल्टर दिया गया है जो कि इसको पकड़ा और ये आ रहा है ये वापस। बेहतरीन। चलें जी ये देखें आप लोगों के सामने इसका जूस देखते हैं जी। ये देखें जी मौसम्बी मैंने इसमें रख दिए। ये देखें जी जूस इसको निकालते हैं और ये देखें जी विद इन अ मिनट हमारे सामने है अनार। अनार का कैसे जूस निकाल रहा है ये ऊपर गया अभी और ये वापस आएगा खुद ही। आपने कोई टच वच इसको नहीं करना। ये देखें जी अनार की कंडीशन में आपको दिखाता हूँ जो हमने इसमें डाला था उसकी कंडीशन ये थी जब हमने डाला था और अब आपके सामने ये कंडीशन है। ये डालते हैं जी ये बड़ा भी करेगा। ये देखें जी जूस चेक करें आप ग्रेपफ्रूट का। आप जूस चेक करें कितना ही बेहतरीन किस्म का इसने इसका जूस निकाला है। आप इसका हाल भी देख सकते हैं। ये देखें जी बिस्मिल्लाह। ये देखें जी इसके अंदर हम सबसे पहले डालने लगे हैं कुछ केले। उसके अंदर मैं अब डालने लगा हूँ दूध। चलें जी बड़ा जो उसमें जूसर होता है उसमें आप बड़े पीस भी डाल सकते हैं। डालने लगा हूँ कुछ पीसेस सेब के। ये आ गया हमारा सेब का जूस फ्रेश बिल्कुल ताज़ा। तो ये गैस के अंदर, ये गया सेकंड पीस के अंदर घूम रहे भाई। कम वक्त में ज़्यादातर जूस मैंने बनाए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फादवान फ्रॉम डेली इन्फॉर्मेटिव के एक नई वीडियो के साथ आप लोगों का भाई आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स हॉनेस्ट रिव्यूज़ हमारे चैनल पर आते रहते हैं। जैसा कि पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी वेजिटेबल कटर के हवाले से, आप लोगों को बड़ी पसंद आई। दूसरी वीडियो हम लोगों ने हैमर चॉपर के हवाले से बनाई, उस पर भी मुझे फीडबैक अच्छा मिला कमेंट सेक्शन में भाई, बेहतरीन किस्म का रिव्यू गया था। इसलिए हम लोगों ने आज सिट्रस जूसर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हॉनेस्ट रिव्यूज़ का भी करेंगे, इसकी प्राइस जो है मार्केट में वो काफ़ी मुझे बड़ी भी मिली है, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है वेबसाइट्स वगैरह पे और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी मुझे काफी ज्यादा देखने को मिली है। आप लोगों का भाई बिल्कुल सस्ते में लेकर आया है, आप कह सकते हैं कि होलसेल आज के रेट होने वाले हैं। बाकी सिट्रस जूसर है क्योंकि हमने सिट्रस फ्रूट्स भी आप लोगों के लिए अरेंज करके यहाँ रखे हुए हैं, तरह तरह के फ्रूट्स हैं हमारे पास। इंटरेस्टिंग सी वीडियो होने वाली है। आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं चैनल को आप लोग लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि इसी तरह की रिव्यूज में आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। इसकी आगे जो है स्क्रीन पर कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह चल रहे होंगे, ऑर्डर नंबर चल रहे होंगे। बाकी भाई अलाहद मार्ट ने अपनी वेबसाइट भी बना ली है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इनकी वेबसाइट पर विजिट करें, वहां पर आपको हजारों चीजें देखने को मिल जाती हैं, वो भी आप देख सकते हैं और एक एक का रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। जो नंबर चल रहा है इस पे कैटलॉग भी बनी हुई है। आप लोगों को बताता चलूं इस गैजेट ने पूरे पाकिस्तान भर में धूम मचाई हुई है, सिट्रस जूसर जो है इसका आज रिव्यू करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक लाजमी कर देना क्योंकि आप लोगों का भाई बड़ी मेहनत करता है, आप लोगों के लिए हॉनेस्ट रिव्यू लेकर आता है। तो चलिए इंटरेस्टिंग सी वीडियो है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा सिट्रस जूसर की आपको मैं पैकिंग के हवाले से बताता चलूं, उसका बॉक्स काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। इसके साथ एक मैनुअल हमें मिल जाती है, एक चार्जिंग लीड हमें देखने को मिल जाती है और इसके साथ इसकी रैपिंग शीट मिल जाती है। चैलेंज इसकी बॉडी मटेरियल का आपको बताता चलूँ कि सिट्रस जूसर की जो ये बॉडी है ये अच्छे मटेरियल पर बनी हुई है, अच्छा प्लास्टिक इसमें यूज़ किया गया है जो कि इसकी लाइफ टाइम को बढ़ाता है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पर इसका चार्जिंग पोर्ट दिया गया है जो कि आप टाइप सी से इसको चार्ज कर सकते हैं। बैटरी टाइमिंग इसकी जो है वो आप आगे देख लीजिए क्योंकि काफी सारे फ्रूट्स मैंने अरेंज किए हुए हैं जिस पे हम इसको जूस निकालेंगे और आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सीन है। देखें आउटलेट का अगर कैप है वो भी इन्होंने प्लास्टिक पे बनाया हुआ है और अगर देखें तो आप यहां पे सिलिकॉन यूज किया गया है कि लीकेज ना हो। बहुत ही बेहतरीन मशीन होने वाली है इंशाल्लाह। इसको सामने ही इसका पावर बटन दिया गया जो कि इजी टू ऑपरेट है। यह मशीन मुकम्मल जो है वाटर प्रूफ वॉशेबल है, आप इसको वॉश कर सकते हैं। हमारे पास तरह तरह के फ्रूट अवेलेबल है जिनको आप जूस बनाकर आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा रिव्यू होने वाला है, इस प्राइस में हमें ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलें जी आप लोगों का भाई आप लोगों के लिए रिव्यूज लाने के चक्कर में एक दुकान खोल लेता है हमेशा। आज जो है मैंने फ्रूट्स की दुकान लगाई हुई है जिसमें हमारे पास अनार है और मौसम्बी है, माल्टा है और ग्रेपफ्रूट भी है। तो सब चीज़ों का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि क्या वाकई जो है या नहीं। वैसे ही जो लोग कह रहे हैं कि यार इसका रिजल्ट अच्छा अच्छा लॉक हो जाती है, आप यहां से इसको लॉक कर सकते हैं। इसको अनलॉक करके यहां से ओपन कर लेते हैं और हम इसमें सबसे पहले डालने लगे हैं ऑरेंज। ऑरेंज के हमारे पास पीसेस कर रहे हैं और देखें ऑरेंज हम डाल रहे हैं इन बीचों के साथ, देखें इसके सीड्स इसके साथ हैं और यहां हमें एक जो है वो फिल्टर दिया गया है जो कि इसको बीज वगैरह जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे और जूस जो है हमारा नीचे चला जाएगा। जी स्टार्ट करते हैं, मैं भी इसका फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको रख देते हैं यूँ और इसको ऊपर से यहाँ से लॉक कर देते हैं। अच्छा आपने हाथ रखना है नहीं रखना आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं है इसको। अच्छा आपने सिंपली यहाँ से इसको, ये रहा इसका पावर बटन है देखें, इसको सिर्फ आपने 1 2 3
2 सेकंड्स के लिए सिर्फ पकड़ के रखना है। अच्छा, ये भले घूमे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ स्टार्ट हो गया ये सिग्नल आपको देता है। आपने सिर्फ और सिर्फ इसको यहाँ से एक बार प्रेस कर देना है। ये देखेंगे, ओ माशाल्लाह, चेक करें यार, ज़बरदस्त। ये देखेंगे खुद आ रहा है नीचे, वाह। और ये देखें भर गया टैंक जो है वो इसका तकरीबन भर चुका है, तो भी निकालते हैं इसका। ये गया ऊपर और उसने उस फ्रूट को पकड़ा और ये आ रहा है ये वापस। बेहतरीन, और जूस सारा उससे निचोड़ के। चलें जी, ये देखें आप लोगों के सामने, ये हमने तीसरा पीस भी इसका मुकम्मल कर लिया। तो आएं जी इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या सीन है इसका। देखते हैं जी, ये देखें, वाह। ठीक है, बस हमने पहले माल्टे का किया था तो मैंने इस मशीन को बिल्कुल साफ़ कर दिया, तो अब हम करने लगे हैं मौसमी का। तो मौसमी मैंने इसमें रख दिए और इसको ऊपर से हम वही प्रोसेस है, इसको टाइटली टाइट कर देंगे। और इसका बटन है, सिर्फ आपने इसको एक बार प्रेस कर देना है। यहाँ से कैप आप देख लीजिएगा कि ये बंद हो वरना लीकेज करेगा। आपने इसको सिर्फ प्रेस कर देना, ये गया ऊपर, ये देखें जी ऊपर गया। ये देखें जी यहाँ से आपने इसको स्टार्ट कर देना। ये देखें वापस नीचे आ रहा है, अपनी जगह पे वापस स्टॉप हो गया। वैसे आप बना तो सकते हैं ज़्यादा पीसेस भी, देखें काफ़ी सारे मेरे पास भी रखे हुए हैं, पर मैंने तकरीबन 2 से 3 लगाए। और ये देखें जी इसके बाद, ठीक है व्यूअर्स, ऑरेंज और मौसम्बी का जो है वो हमने बना लिया था। अब हमारे सामने है अनार। अनार का भाई फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ और इस पर एक्सपीरियंस लेते हैं क्या सीन है, ये करती है या नहीं। तो उसको सेम उसी तरीके से इसको हम यहाँ रख लेंगे इसके ऊपर और इसको ऊपर से टाइट कर देते हैं। अच्छा, ये है थोड़ा बड़ा है, पर देखते हैं क्या सीन है इसका। यहीं से स्टार्ट ले लेते हैं। अच्छा, स्टार्ट लेंगे, ये सिर्फ स्टार्ट का सिग्नल देता है और इसको आपने सिर्फ यहाँ से एक बार प्रेस कर देना है। बस प्रेस करेंगे तो ये ऊपर जाएगा। ये देखें ये ऊपर आ रहा है, डाला है इसमें अभी अपने, अनार का कैसे जूस निकाल रहा है। ये ऊपर गया अभी और ये वापस आएगा खुद ही। आपने कोई टच वच इसको नहीं करना, सिर्फ आपने एक बार सिर्फ इसको प्रेस कर देना है और ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा और आपका जूस रेडी। इतना सा इसका प्रोसेस है और अपनी जगह जहाँ से इसने स्टार्ट किया वहाँ आके रुक जाएगा। दूसरा पीस डालते हैं, अब उसका भी हशर करते हैं इसमें रख के। इसकी प्राइस वगैरह जो है वो सिंपली स्क्रीन पे चल रही होगी, ऑर्डर नंबर भी हैं वो भी स्क्रीन पे चल रहे होंगे। एक बार सिर्फ आपने इसको प्रेस करना है। ये देखेंगे ये आ रहा है ऊपर, ये हो गया जी, अब ये जा रहा है नीचे और जूस सीधा आता है इसकी टैंक में। बड़ी बेहतरीन मशीन है, बहुत अच्छा लगता है इससे करने में और जल्दी जल्दी आपके काम जो है वो ये करती है। और ये देखें जी, अब अनार का आप हाल देखें, ये देखें बिल्कुल खाली कर दिया अनार को इसने और चंद सेकंड्स में। भाई जूस बनाएं, अक्सर हमारी ख्वातीन जो होती हैं उनकी हिम्मत नहीं होती, अक्सर हस्बैंड वगैरह उनको कहते हैं हमें जूस चाहिए, तो ख़ुद ही निकालें इस मशीन को और फटाफट जो है सेकंड्स में अपने लिए जूस रेडी करें। अक्सर बच्चे जो है वो सुबह सुबह स्कूल के लिए जा रहे होते हैं और उनको जूस वगैरह की नीड होती है, तो वो भी ईज़िली बना सकते हैं। अच्छा जी, इसको निकालते हैं इसी ग्लास में। ये देखें जी, बिस्मिल्लाह। व्यूअर्स देखें, मैंने एक ही अनार का किया था, दूसरा अनार मेरे पास पड़ा हुआ है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मुझे और भी चीज़ें हैं जिसका भी रिव्यू करना है आप लोगों के साथ। तो आप लोग इसमें बना सकते हैं, ज़्यादातर भी मेरे पास चूँकि अभी इतना टाइम नहीं है क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ग्रेप फ्रूट, जो कि मुझे बड़ा पसंद है और वो भी हमने उसके पीसेस वगैरह करके रखे हुए हैं। ये देखें जी, इसके भी कलर अलग अलग हैं। अच्छा, ग्रेप फ्रूट मैंने इसके अंदर रख दिया, तो आप सिंपली इसको सिर्फ एक बार टच कर दें। ये आपने टच किया, उसके ऊपर हाथ रखते हैं आप अपने। ये देखें जी जूस, अब ये जा रहा है नीचे। अच्छा, जूस इसने निकाल लिया है, देखें विद इन सेकेंड्स। अब इसमें डालते हैं हम दूसरा पीस, अपनी जगह पर आके वापस रुक जाता है। अच्छा, ये देखें जी, ये ग्रेप फ्रूट का हाल। और इसमें अब डालते हैं दूसरा पीस, दूसरा पीस डालते हैं थोड़ा बड़ा, ये डालते हैं जी, ये बड़ा भी करेगा, देखते हैं। ये देखें जी जूस, चेक करें आप कितना बेहतरीन, अब घूमेगी बहुत तेज। अच्छा जी, ये देखें ग्रेप फ्रूट का आप जूस चेक करें, कितना ही बेहतरीन किस्म का इसने इसका जूस निकाला है। ये देखें जी, अब आप इसका हाल भी देख सकते हैं। ये देखें जी,
बहुत ही बुरा हाल किया इसने इसका, और अभी निकालते हैं इसको गिलास में, और भाई आप लोगों का भाई जो है इसको टेस्ट करेगा। ये देखें, ओए होए होए। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि आज फाज भाई ने केले, सेब और छोटे छोटे कीनू क्यों रखे हुए हैं, तो आप लोगों को बताऊंगा। आज जो दूसरा हम लोग रिव्यू करने वाले हैं वो इस चार्जेबल जूसर का करने वाले हैं। अक्सर बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो अक्सर हमारी बहनों की जो है वो हिम्मत नहीं हो रही होती, या तो चीज़ें अरेंज नहीं कर सकते कि कौन जूसर निकालेगा और फिर उसको बनाएगा। तो ये सिंपली सा है, छोटू सा है, कहीं भी आपके बैग वगैरह में भी आ जाता है, ट्रेवल फ्रेंडली होने वाला है, तो बेहतरीन सा ये जूसर है। इसकी अगर प्राइस रेंज की आप लोगों को जानना है तो स्क्रीन पे सिंपली चल रहा होगा, और बाकी ऑर्डर इसका भी आप लोग अलहद मार्ट की वेबसाइट पर दे सकते हैं, उनके जो ऑर्डर नंबर चल रहे हैं उसकी कैटलॉग में भी अवेलेबल है, उनसे भी आप कांटेक्ट करके ये मंगवा सकते हैं। इसका भी आपको रिव्यू देंगे कि इसका क्या सीन है। आवाज आप सुन सकते हैं कितनी बेहतरीन इसकी आवाज है, और ये चार्ज होता है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, आप इसको कहीं भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। इसका बॉक्स मैं यहीं पर साइड पर रख दूंगा ताकि इसका रिव्यू करें। अच्छा देखें, ये एक बॉटल टाइप यहाँ से खुल जाता है, और मैं अगर बताऊँ तो आप इसमें बनाकर पी भी सकते हैं। इसके अंदर एक हमें कैटलॉग टाइप मिल जाती है इनकी, उसको हम निकाल देते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम सबसे पहले डालने लगे हैं कुछ केले, क्योंकि इसका जो गिलास है वो काफ़ी छोटा है, तो उसके अंदर एक ही केला आप एक वक्त में डाल सकते हैं। उसके अंदर मैं अब डालने लगा हूँ दूध, थोड़ा सा दूध डाल देते हैं इसके अंदर, और इस दूध को यहाँ रख देते हैं। अच्छा, इसको ऊपर से आप लोगों ने टाइटली टाइट कर देना है, और सिंपली आपने क्या करना है, ये बटन है, इसको आपने सिर्फ दो बार प्रेस कर देना है, एक दो। ये देखेंगे मिनटों सेकंडों में आपका जूस जो है वो तैयार हो जाएगा। होप के जूस बिल्कुल रेडी हो चुका होगा, तो इसको खोलते हैं और इसको गिलास में डाल के चेक करते हैं। आप लोग इसको अपने हिसाब से भी बना सकते हैं कि जितना आपको चाहिए हो, मतलब पानी वगैरह डाल के। और ये देखें जी, ये देखें जी, विद इन अ मिनट बिल्कुल रेडी हो चुका है, फ्रेश जूस आप लोगों की खिदमत में हाजिर है, और आप लोग अपने बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। अच्छा, सेब वगैरह भी है मेरे पास, इसको भी डालकर चेक करते हैं क्या सेब का भी ये जूस बना रहा है या नहीं। चलें जी, बड़ा जो उसमें जूसर होता है उसमें आप बड़े पीस भी डाल सकते हैं, तो क्योंकि ये छोटा जूसर है इसमें आप छोटे छोटे पीस करके डाल दें। अब मुझे कटिंग नहीं आती, आप लोग मुझसे अच्छी कर लेंगे, तो मैं जैसा भी मुझे आ रहा है तो मैं इसको कटिंग करके इसके अंदर डाल देता हूँ। आपने कोशिश करना है कि जो सेब के जो पीसेज हैं उसको थोड़ा छोटा ही कर दें ताकि जल्दी हो जाइए, और सेब के जो छिलके हैं उसके समेत भी आप इसको कर सकते हैं। तो मैं इसमें डालने लगा हूँ कुछ पीसेस सेब के, ये देखें जी, ये आ गए इसके अंदर सेब, और इसी में भी हम मिल्क ऐड कर देंगे। ये देखें जी, इसमें हो गया ऐड मिल्क। अच्छा ये देखें, इसके साथ हमें फ़िल्टर भी देखने को मिल जाता है जाली, क्योंकि अगर आपको बिल्कुल फ्रेश जूस इसी में पीना हो तो आप इसमें भी पी सकते हैं, जो छिलके वगैरह होंगे वो यहाँ से इसमें आ जाएंगे। तो उसको मैं वापस लगा देता हूँ, वापस लगा के इसकी बोतल को भी हम टाइट कर देते हैं। देखें जी, बस एक दो बार आपने प्रेस करना है और ये चल जाएगा, और आपके जो सेब हैं उनके अंदर पिटाई हो रही है। अच्छा जी, हमने जो सेब डाल दिए थे और दूध वो अभी बन रहा है, तो हम गिलास सामने रख देते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि रेडी हो चुका है। तो ये गिलास उठा के हम यहाँ रख देते हैं, इसको हम स्टॉप कर देते हैं, और ये हम खोल देते हैं इसको जी सिंपली, और ये आ गया हमारा सेब का जूस, फ्रेश बिल्कुल ताज़ा था। अच्छा देखें, अगर आप इसमें अगर सेब के छिलके उतार के इसको अगर जूस बनाते हैं तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा इसने, क्योंकि टाइम लिया है सेब ने, क्योंकि इसके छिलके होते हैं, तो आप अगर छिलके उतार के करते हैं तो बहुत फास्ट करेगा ये जूसर। मिनी जूसर है पर इसके काम बहुत हैं, और चार्जिंग जो है वो इसमें अभी भी है। हमारे पास जो है वो दूसरी चीज़ है वो माल्टा है, माल्टा भी डालते हैं देखते हैं। जैसा कि हमारे पास माल्टे पड़े हुए हैं तो हम ये नहीं डालेंगे इसमें, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, हमने छोटे छोटे भी अरेंज किए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों का भाई आप लोगों के लिए प्रॉपर काम करता है। तो ये गया इसके अंदर, ये गया सेकंड पीस इसके अंदर, तो भाई तीसरे की जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको हम चेक कर लेते हैं कि यार ये यूँ माल्टे भी कर रहा है या नहीं। इसके ऊपर से हम इसका कैप लगा देंगे और इसको यहाँ से प्रेस कर देंगे, 1 2 घूम रहे हैं भाई। दो चीज़ों के लिए बेस्ट है, जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने जो है पहले केले का किया, तो उसके बाद सेब का, और ये आप लोगों के सामने माल्टे का, ये भी कर रहा है पर बहुत मेहनत लग रही है इस पर, मतलब कि इसको यूँ करना पड़ रहा है तब जाके कर रहा है। वैसे कर तो लिया इसने देखें, पर टाइम लग रहा है, क्योंकि मेरा रिव्यू जो होता है वो हॉनेस्ट होता है, सच होता है जो है वो आप लोगों के सामने। और इसकी जो प्राइस है वो सामने स्क्रीन पे चल रही होगी, आप मंगवा सकते हैं भाई, हाईली रिकमेंड अगर आप ये चीज़ें बनाना चाहते हैं बच्चों के लिए सुबह सुबह और स्कूल वगैरह के लिए। अच्छा, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है कुछ सेकेंड्स के बाद या कुछ मिनट्स के बाद। इस जूसर ने इन दोनों को किया है, इसका क्या रिजल्ट आता है, पीसेस कितने बड़े बड़े, इसको रोक देते हैं।
ये देखें जी, थोड़े बड़े बड़े पीसेज हैं, मतलब ठीक से इसने किया नहीं है। ये देखें अभी भी लगा हुआ एक, तो अब इसको भाई इतना ही टाइम लगा है, पर इसके देखें पीसेस थोड़े जो हैं वो लच्छे वगैरह बने हुए। देखें मेरा नहीं ख्याल, अगर मैं इतने सारे जूसेस जैसे कि मौसम्बी का जूस है, ऑरेंज का जूस है, ग्रेप का है और अनार का जूस मैं इतनी देर में बनाता, बहुत मददगार मशीन है, कम वक्त में ज़्यादातर जूस मैंने बनाए इस एक मशीन से और मुझे कोई मुश्किल नहीं पेश आई, आसानी से एक एक का मैंने रिव्यू किया है, बेहतरीन मशीन है। अगर आप ये मंगवाते हैं 2850 रुपये में आपके किचन के काम आसान करने वाला ये गैजेट, भाई हॉनेस्ट रिव्यू था, बेहतरीन थी ये मशीन, आप मंगवा सकते हैं। ऑर्डर्स नंबर आप लोगों के सामने चल रहे होंगे, मैंने सारे जो जूसेस हैं वो इसी से बनाए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, आप लोग भी सोच रहे होंगे गिलास एकदम भर कैसे गए, मैंने वीडियो स्टॉप की, मुझे भी पीना था और टीम भी मेरी पीछे खड़ी हुई है इसको भी पीना था, तो मैंने कहा यार जल्दी जल्दी बनाते हैं जी, बेहतरीन है यार, कोई टाइम नहीं लगा, एंजॉय किया बाकायदा हम लोगों ने। अच्छा इस जूसर का मैं बताता चलूँ, जो कि पोर्टेबल चार्जेबल है, छोटा सा जूसर है भाई, ये भी बेहतरीन है। केले का जूस, सेब का जूस आसानी से कर लिया, ऑरेंज जो इसके लिए छोटे वाले हमने अरेंज किए थे वो थोड़ा सा टाइम लग रहा था, पर वो भी इसने कर दिए थे। 1200 रुपये इसकी कीमत है, अलहद मार्ट की वेबसाइट पे सारी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, वहाँ विज़िट करें। इसी तरह के काफ़ी सारे आपको गैजेट्स मिल जाएंगे, अपनी ज़िंदगी को आसान करें, अलहद मार्ट की इस ऑफ़र से आप लोग फ़ायदा उठाएँ, अपने उस फादावान को दें इजाज़त। मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।